हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहते हुए उनको अपने देश से भागना पड़ जाए। ना कि सिर्फ उनको भागना पड़ जाए बल्कि उनको जान बचा के भागना पड़ जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा आज के डेट में बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ, जहां पे इनको अपनी जान को बचा के भागना पड़ा है और फिलहाल ये भारत में है। किसी टाइम पे शेख हसीना को आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता। हमारे बीच अगर किसी को भी ये लगता है कि जो आज बांग्लादेश में हुआ क्या वो पहली बार हुआ, तो मैं बता दूं कि अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आपको ऐसे कम से कम 100 इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि किसी टाइम पे जो उस देश या प्रदेश के राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ कि उनको अपने ही प्रदेश से भागना पड़ गया। एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आप याद करें तो साल 2022 में होता है, जहां पे राजापक्षा फैमिली को श्रीलंका से भागना पड़ जाता है, उनको भी एग्जैक्टली जान बचा के भागना पड़ जाता है। तो इन सब चीजों को अगर आप बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब सरकार और कॉमन सिविलियंस के बीच में गैप बढ़ जाता है और कॉमन सिविलियंस के किचन में जब खाना खत्म हो जाता है, उनके पास कोई रोजगार नहीं रहता है, वो काम करना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं होता है, वो चीख चीख के अपने सरकार को कहते हैं कि उनको रोजगार चाहिए। इसी बीच सरकार अगर उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं और कॉन्टिन्यूसली नहीं सुनते हैं, और उसके बाद जब उन पे किसी भी तरीके का लाठी चार्ज कराया जाता है या उनको और सप्रेस किया जाता है, तो एक मोमेंट आता है जहां पे उस देश के या प्रदेश के जो कॉमन सिविलियंस हैं उनके अंदर से मरने का खौफ खत्म हो जाता है। तो जब मरने का खौफ खत्म हो जाता है तो उस एरिया के या उस देश के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको अपने ही प्रदेश से भागना पड़ जाता है। आज के डेट में बांग्लादेश का हाल ये हो रखा है कि जो ऑफिशियल रेसिडेंस था शेख हसीना का, लोग उसके अंदर घुस गए हैं और वहां पे पॉसिबली जो भी सामान रखे थे या तो उसे चोरी कर लिया गया है या तो इतना गजब तरीके से तबाही किया गया है कि ये पहचान पाना मुश्किल है कि किस कभी इसी जगह पे शेख हसीना भी रहा करती थी। आपको ऐसे मल्टीपल विजुअल्स मिल जाएंगे जहां पे रेसिडेंस के अंदर लोग घुस के कुछ इस तरीके से फोटोज या वीडियोस बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर किसी भी देश में इस हिसाब से अगर प्रोटेस्ट होता है या लोग इस हिसाब से सड़कों पे उतर जाते हैं, तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, वो ये है कि आने वाला सरकार कौन रहे। क्योंकि जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में एक अफरा तफरी का माहौल है, बहुत सारे अलग अलग देशों के जो स्टेक होल्डर्स, यानी कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ये इस मोमेंट का फायदा उठाएंगे और जो लोग आज अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, चांसेस काफी हाई हो जाता है कि जब चाइना, पाकिस्तान या यूएस अगर किसी भी तरीके से इनके देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैप्चर कर लेगा तो चांसेस काफी हाई है कि आने वाला दिन बांग्लादेशों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे किसी भी प्रदेश में वहां के लोग अपने राजा से काफी परेशान थे, तो इन्होंने क्या किया कि उस राजा के दुश्मन को सपोर्ट कर दिया इस उम्मीद में कि जब ये आएगा इनके प्रदेश में तो इनको मदद करेगा। लेकिन एग्जैक्टली होता ठीक इसका विपरीत है, जब ये राजा इस प्रदेश को संभालता है तो वो प्रीवियस राजा से कहीं ज्यादा बुरा निकल के आता है। तो विद्रोह करना या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि कहीं उस पॉलिटिकल कैओस का कोई और देश फायदा तो ना उठा ले। साथ में अगर बात किया जाए तो किसी भी देश में अगर एक ही सरकार बार बार रिपीट होके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि शेख हसीना बांग्लादेश को 2009 से संभाल रही थी और ये उनका फोर्थ टर्म था, तो कहने का मतलब है कि अगर सरकार फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं तो लोगों का जो गुस्सा होता है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों का गुस्सा था वो एक ही सरकार के लिए था, और उसके बाद शेख हसीना बीते कुछ सालों में जो इनके ओपोनेंट्स थे या किसी भी तरीके से जो इनको क्रिटिसाइज करते थे या इनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, उन सभी को ये पकड़ पकड़ के जेल में बंद किए हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं जहां पे लोग मिसिंग हैं। जब मैं मिसिंग कह रहा हूं तो उनके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मार दिया गया है। और उसके बाद क्या होता है कि एक जो लेटेस्ट लास्ट नेल इन द कॉफिन हो जाता है वो ये हो जाता है कि आउट ऑफ 100% गवर्नमेंट सर्विसेज में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 56% तक का रिजर्वेशन दे दिया जाता है। 30% रिजर्वेशन तो उन लोगों को दिया जाता है जिनके फैमिली किसी भी तरीके से 1971 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। तो कहने का मतलब है कि किसी को कोटा देना या रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को आपको समय दर समय आप रिव्यू भी करते रहना है
ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि वो जो पॉलिसी बनाया गया है उसका मिसयूज ना हो। और साथ में अगर बात करें तो कोविड के बाद जस्ट रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 4 साल से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो लगातार गिरती हुई जा रही थी। उसके बाद क्या है कि बांग्लादेश को जाना जाता है चीप लेबर के लिए, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और आपके जब आस पड़ोस के देश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको खामियाजा भुगतने को मिलता है। कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बांग्लादेश में काम करते हैं वो बहुत ही मैनुअल तरीके से काम करते हैं। साथ में अगर किसी भी तरीके से आसपास के लोग अगर ऑटोमेशन का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर में या फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि उनको भी एक प्रॉपर ऑफिस का व्यवस्था मिलना चाहिए जहां पे वो अपने स्किल को दिखा सकें। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया कनेक्टेड हो गई है, जहां पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% खुद पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब है कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया बांग्लादेश में, ना तो यहां पे सरकार बदले हैं, और उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज के लोग थे उनको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जेल में या तो बंद कर दिया गया है या तो उनको मार दिया गया है। अब तक के जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से शेख हसीना ब्रिटेन जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी भी देश में अजाइलम अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ वक्त लगता है। तो एज ए रिजल्ट ये होता है कि शेख हसीना का जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो काफी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इस मोमेंट का फायदा किसी भी तरीके से पाकिस्तान या चाइना उठाए। नतीजतन ये होता है कि शेख हसीना से मिलने के लिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर मिलते हैं और इस पूरे एपिसोड के बारे में वो जानकारी लेते हैं, और चांसेस काफी हाई है कि शेख हसीना से अपने प्रधानमंत्री मोदी भी मिलेंगे ताकि एग्जैक्टली हम ये प्लान बना पाए कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए या एटलीस्ट उसके बारे में सोचा जाए। जो बांग्लादेश के लोकल मीडिया है उनके हिसाब से लगभग 4 लाख या उससे भी अधिक लोग ढाका की सड़कों को घेर लेते हैं और शेख हसीना के रेसिडेंस की तरफ मूव करते हैं। तो समझिए कि अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर की तरफ अगर 4 लाख या उससे अधिक भीड़ उस तरफ आ रहे हैं तो किसी का भी हिम्मत टूट जाएगा और उसे ये डर सताना शुरू कर देगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भीड़ उनका मॉब लिंचिंग कर दे। और उसके बाद अगर आप बांग्लादेश के इतिहास से थोड़े से अगर आप परिचित हैं तो 1971 में जो वॉर हुआ था उसके पहले या उसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो बांग्लादेश में उन सब लोगों को रजाकार कह के भी पुकारा जाता है। तो नॉर्मली आप कुछ इस तरीके से समझे कि रजाकार को एज एन गाली की तरह यूज किया जाता है बांग्लादेश में, तो शेख हसीना ने भी इस वर्ड का यूज किया था जब बांग्लादेश में कोटा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो जो आज सिचुएशन बांग्लादेश में हो रखा है इसके पीछे एक नहीं इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। ये है आर्मी चीफ वकर जमान, जिनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि आर्मी फिलहाल बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और इन्हीं के हिसाब से एक इंटरिम सरकार बनाई जाएगी। सो एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो कहीं से भी अभी कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा जहां पे ये मालूम पड़े कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन इस चीज से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर वकर जमान को तख्ता पलट करना होगा तो ये भी कुछ हद तक सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जाके ये अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। या ये हो सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में वहां के आर्मी या ISI सरकार को कंट्रोल करते हैं कुछ उसी तरीके का इनके दिमाग में भी बात चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा इमीडिएट पड़ोसी है तो हमें ये भी खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां से लोग जान बचाने के लिए भारत की तरफ आ जाए, जो कि हमारे लिए एक अनदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।